हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर हम नई रेसिपी और आज हम बनाने वाले हैं दही की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आपने दही की बहुत सारी रेसिपी खाई होंगी, लेकिन आज हम बहुत डिफरेंट तरीके की रेसिपी आपको बता रहे हैं। अगर आप सब्जी से बोर हो गए एक ही सब्जी से, तो आप इस तरीके से बनाएंगे सब्जी को, तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक रेसिपी फ्रेंड्स, और आपको खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने दही की रेसिपी बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, दही वाले आलू बनाने के लिए मैंने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक कटोरी दही ली है और दो मीडियम साइज के प्याज लिए जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और तीन से चार आलू लिए, ऑलमोस्ट पांच आलू, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और दो से तीन मैंने हरी मिर्च ली है, आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू को पहले हम छील लेंगे। मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं, आप चाहे तो बड़े साइज के भी आलू ले सकते हैं। आलू को छीलने के बाद हम इसे पीसेस में करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, मीडियम साइज के पीस रखेंगे। सारे आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है, तो अब हम इसे पीसेस में करेंगे। पहले हम आलू के दो पीस करेंगे। आलू को इस तरह से दो पीस में करेंगे पहले, और इसके बीच में इस तरह से कट लगाएंगे। और आलू को बड़े बड़े साइज में काटना है हमें, बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं रखना है, इतने साइज के हमें आलू काटने हैं। और अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो आप आलू के चार पीस करिए, बहुत ज़्यादा मोटा और पतला नहीं रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़े आलू हैं तो उसके हिसाब से आप कम में ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से हमें एक आलू में तीन पीस निकालने हैं, ये देखिए इतना बड़ा निकालना है। तो मैंने आलू को फ्रेंड सारा काट लिया है, तो अब हम इस पर एक सीटी लगवाएंगे। तो अब हम इसे सारा कुकर में डालेंगे, आलू को निकाल के कुकर में डालना है इस तरीके से। और हमें ध्यान रखना है जब इसमें पानी डालेंगे तो बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कटे हुए आलू तो एक सीटी में बन जाएंगे। और हम यहाँ पर डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, ताकि जो आलू है वो फीके ना लगे, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे आलू से, हमें पानी नीचे रखना है थोड़ा सा। और यहाँ पर डालेंगे हम आधा चम्मच नमक, ताकि जो आलू है उसमें नमक अच्छे से चला जाए और फीके ना लगे। तो चलिए अब मैं इसे गैस पर रखती हूँ और एक सीटी लगा लेती हूँ कुकर में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आलू अच्छे से गल चुके हैं। 90% हमें आलू को कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। आप देखिए ये आराम से कट रहा है। तो अब हम इसे छान लेंगे। हमें आलू को पानी में नहीं रखना है, इसे तुरंत छान लेना है। तो पहले मैं इसे छान के साइड रख लेती हूँ। आलू को मैंने साइड में रख दिया है। तो एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे दही, जो हमने एक कटोरी दही ली है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पहले हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। आधा चम्मच मैंने काला नमक डाल दिया है। तो इसके बाद हम डालेंगे डेढ़ चम्मच रेड चिली पाउडर। मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल रेड चिली पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कम लगती है तो कलर ज़्यादा अच्छा देगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर। डेढ़ चम्मच में यहाँ पर डालूंगी धनिया पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आलू में भी थोड़ा सा नमक डाला था और यहाँ ग्रेवी में भी थोड़ा नमक डाला है, तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आगे की तैयारी करेंगे। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे तीन से चार बड़े चम्मच तेल। मैं यहाँ पे सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने चार बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल डाला है। हमें ऐसे तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। तेल गर्म हो चुका तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक चम्मच जीरा। साथ में ही मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग, हींग से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स इससे। और अब मैं यहाँ पे डालूंगी प्याज। अब हम यहाँ पे डालेंगे एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से भूनेंगे हम। और साथ में ही डालेंगे फ्रेंड्स बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी थोड़ा सा हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा पिंकिश कलर करना है, जब तक इसमें हल्का सा पिंकिश कलर ना आ जाए। प्याज के साथ हम डालेंगे हरी मिर्च, इसको भी साथ में भूनेंगे।
इसी तरह से हमें प्याज को थोड़ा सा देर चलाना है, क्योंकि हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा इसको गलाना है। पर डालेंगे दही, दही को इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे जो बाउल में है। दही को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको पहले इसी तरह लगातार एक मिनट के लिए चलाना है हमें, और इसी तरीके से हमें लगातार चलाना है इसे। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि आपकी दही ज्यादा नहीं फटेगी। ये देखिए इसी तरीके से हमें चलाते रहना है लगातार, एक मिनट तक कंटिन्यू हमें चलाना है। हमें इसे तब तक चलाना जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए, और गैस की फ्लेम हम बिल्कुल हाई पे रखेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें आलू डालेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स करना है मसाले में इस तरीके से। काफ़ी टेस्टी सब्जी होती है फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल आप आलू बनाते हैं तो इस तरह से एक बार ट्राई कर सकते हैं, आपको ये वाले आलू ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि काफ़ी टेस्टी बनते हैं ये वाले आलू। और अब हम इसे लगातार इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हम मिक्स करेंगे इसे और इसको ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि हमारे जो आलू है पहले से कुक है, तो हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है, साइड में ऑयल भी निकल गया है, तो ये गुड साइन है कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। आप देखिए इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं है जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और सब्जी को करेंगे हम सर्व। आप देख सकते हैं दही आलू की सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। मुझे तो और मेरे पूरी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है, आलू और दही का कॉम्बिनेशन। आपको किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।